एंड जेंटलमैन, पहली बार रियलिटी टेलीविजन की दुनिया में मनाया जा रहा है अ वीकेंड विद द ग्रेटेस्ट लीडिंग लेडीज ऑफ इंडियन सिनेमा, और आज आ रही हैं द ओरिजिनल फायर ब्रांड एक्ट्रेस, नेचुरल और स्पॉन्टेनियस एक्टिंग की स्रोत, टैलेंट का विस्फोट जिनके जैसा नहीं कोई दूजा, तनुजा। नमस्कार, थैंक यू सो मच। यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल मैम, आप इन पर्सन और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। वाकई में प्लीज आस्क मी, मैं कितने साल की हूँ? मैम आप कितनी यंग हैं? मैं सिर्फ 16 साल की हूँ। ओह माय गॉड, मुझे लगा आप 13 साल की हैं। बहुत बहुत खुश हूँ मैं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। पहले क्यों नहीं बुलाया? हमने बुलाया था लेकिन बस झूठ नहीं बोलने का है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हमने कोशिश तो बहुत की थी लेकिन फाइनली आज 15 स्पॉन्सर्स के बाद सोनी का बजट बढ़ गया है। क्यों, आपको देखते ही दिल से निकलता है ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। I must tell you that singing this song was wonderful, and I must tell you that you're better looking than Rajesh Khanna. Kya baat hai, bas yahi mera jeevan sampann ho gaya, maza aa gaya. Oh my god, we are so so excited and honored ki aap hamare show pe pehli baar aayi hain ma'am. Huge round of applause for Tanuja ji. तनुजा जी, पहली बार आप इंडियन आइडल पे आई हैं, आपको कैसा लग रहा है मैम? क्या कहना चाहेंगी हमारे बच्चों से? हमारे देश में जो खजाना है आर्ट का, एंड ये बच्चे, ये हमारे देश के खजाना है। क्या बात। सो आई एम वेरी प्लीज्ड टू बी हियर। थैंक यू मैम। चलिए तनुजा जी के आशीर्वाद के साथ शुरू करते हैं आज का तनुजा जी स्पेशल। सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजा। आज रात का मैं एक बेहतरीन गाना गाने वाला हूँ, और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में खुश रहना है तो मानो मेरी बात। आओ ट्विस्ट करे कपटा मौसम, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही, आओ ट्विस्ट करे कपटा मौसम, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही। ना चुकी है जिंदगानी की ओ मेरी जान, छम 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 मौसम, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही, आओ ट्विस्ट करे गपटा मौसम, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही। खुशियों महफिल में लगाओ,
क्या बात है स्लीपी बॉय आ गए। तनुजा जी कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट आपने जैसे उसे गाया विथ सो मच मोर फीलिंग, इट वाज रियली वंडरफुल टू हियर। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा गाया। थैंक यू। ट्विस्ट करे के वक्त नाच रही है जिंदगानी, वो जो लाइन पे तुमने जो हरकत की, वो हरकत इज वन ऑफ द फाइनेस्ट हरकट्स आई हैव एवर हर्ड। वो एक सेकंड जरा सुना देना, बिकॉज उस हरकत की वजह से तुमने उस गाने को चार चांद लगा दी है। नाच उठी है जिंदगानी ओ मेरी जान, नाच उठी है जिंदगानी ओ मेरी जान। अंकल आंटी हो जाए वन मोर टाइम, यू आर द सुपरस्टार, कम ऑन। मौसम आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही नाच उठी है जिंदगानी ओ मेरी जान, नाच उठी है जिंदगानी ओ मेरी जान। आओ 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 ट्विस्ट करे उठा मौसम, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही। क्या बात है, ऐसा लग रहा था कि घर में इनको जरा सा भी हिलना अलाउड ही नहीं है, ऐसा डांस पे आके पूरा पूरी भड़ास निकल गई। मैडम से हिलने ही नहीं देती। प्रीतम तुमने ये जो हंगामा खड़ा किया है उसके लिए मैं एक ही बात कहूंगा, माइंडो ब्लोइंगो, यानी कि माइंड ब्लोइंग हिस्टोरिक। बॉस नया है बॉस। तो एक बार मुझे लगता है कि प्रीतम की शान में हम लोग फिर से सब लोग एक बार साथ में कह सकते हैं, जैसे हेल मुगेम्बो वैसे हम आज कहेंगे प्रीतम की शान में माइंडो ब्लोइंगो। प्रीतम माइंडो ब्लोइंगो। थैंक यू सो मच। क्या बात है, एक एक बार नेहू का अकेले हो जाए सर। 1 2 3 माइंडो ब्लोइंग। तुम बोलेंगे हम बैटिंगो और सब लोग बोलेंगे बैटिंगो करते रहेंगे, लेकिन प्रीतम जाएंगे सोइंगो। जजेस स्कोर्स दे दीजिए प्लीज। अब वो जो माता पिता को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए मुंबई में अथक स्ट्रगल कर रही है, स्ट्रगल ने जिन्हें बनाया मजबूत और खास, संजूति दास। I see.
क्या बात है, बहुत अच्छा लगा है आपने जैसे गाया, विद सो मच मोर फीलिंग. जो मैंने फिल्म में किया था ना जी, उसमें इतना इमोशन नहीं था जितना इसने दिया था शेजुती ने. मेरे इमोशंस जैसे थे वो आज आपने दिखाए मेरे को. सो इट्स रियली समथिंग अमेजिंग. आई रियली फेल्ट दिस सॉन्ग हियर इन माय हार्ट. सो थैंक यू. थैंक यू, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा. हमारे यहाँ जो दिग्गज कलाकार जो मतलब बैठे हुए हैं सारे के सारे, इतने सारे सिंगर्स जो जिनकी परफॉर्मेंसेस वायरल हो रही हैं, जिनके बारे में बहुत सारी बातचीत है, संजुति के बारे में इतनी नहीं है बातचीत, लेकिन अब से होगी. यू डिजर्व संजुति, तुम मुझे बेहद पसंद हो, मतलब बेहद पसंद. पहली बात तो आज बहुत प्यारी लग रही हो तुम. थैंक यू मैम. और आज जो गाया है, पता है ये दिस सॉन्ग इज ऑल अबाउट राइट सुर लगना, है ना, इसमें वही है. राइट सुर लग गया तो आपकी जीत है. और आपके जो सुर लग रहे थे, परफेक्शन, अगेन परफेक्शन. आई एम सो प्राउड ऑफ यू बाबा. आई लव यू, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. तुम्हारे लिए यही कहा जा सकता है कि कोई तुम्हें रोक नहीं सकेगा टॉप फाइव में आने से. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर. मगर आपने मौसम बदल दिया. बहुत ही अच्छा गाया है आपने. जजेस स्कोर्स दे दीजिए प्लीज. थैंक यू शेजुती, जोरदार तालियां हो जाए. ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता. हो ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता. चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए. चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए. मिलन की मस्ती भरी आँखों में, हजारों सपने सुहाने लिए. ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए. ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम. जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे. जीवन में जो शामा ही है मोहब्बत वाले जमाने दिए. हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए. मिलन की मस्ती भरी आँखों में, हजारों सपने सुहाने लिए. हो ला 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 la 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 la
स्वागत है बाबा जी. अच्छा. The song itself is so beautiful, but आपने जैसे गाया ना, it was a completely different way. किशोर कुमार का स्टाइल जरूर है, लेकिन आपने उसे अपना बना लिया. So excellent. Thank you, thank you. Very, very impressed. तनुजा मैम आज हमारे बीच उपस्थित हैं और आप भी उसी जमाने से पृथ्वी पर हैं और इस गाने पर इन्होंने सिंगिंग की ही नहीं बल्कि एक्टिंग की भी पूरे हफ्ते रिहर्सल की है. What are you saying? वो चाहते थे और उनकी दिली तमन्ना थी कि वो इस गाने को रिक्रिएट करें, वो भी तनुजा मैम के साथ. Hey, ma'am, please, एक बार मैम के लिए जोरदार ताली हो जाए. हम देखना चाहते हैं. मैम मैं चाहता हूँ कि प्लीज. मैम थैंक यू सो मच. और आप इतनी कमाल की लग रही थी मैम. और वो एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन. अब प्लीज बेटा ना नेक्स्ट टाइम. मैं सिर्फ 16 साल की हूँ, हूँ कि नहीं? तो फिर ये श्रीफल और वो सब मत लेके आना. फूल विल डू, रोज विल डू. और ये प्लीज नहीं. जीन्स टी शर्ट लुक हिप मैन. लिसन आई एम ओनली 16 एंड यू आर 19. वाओ. सो यू नो आई नीड अ गुड लुकिंग गाय अराउंड. दिल न होता बेचारा कदम न होते आवारा जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता. So sweet. चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बार, एक डोर से बंधोगी सनम किसी दिन हमारे साथ. चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बार, किसी दिन हमारे साथ.
क्या गाने हैं. एक बार तनुजा जी, उनकी फिल्मों और उनके गानों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. इनक्रेडिबल. आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत ही अच्छा गाया. अब वो प्यारी सी बच्ची जिनका जीवन है पुस्तकों की यात्रा, अनुष्का पात्र. रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए. रात अकेली Oh!
Thank you so much. क्या बात है अनुष्का? मैं कहना चाहता हूँ. अरे मैं भी कहना चाहता हूँ. मैं भी कहना चाहती हूँ. यार इतना एपिक परफॉर्मेंस दिया है तुमने कि कमेंट्स देने के लिए भी हम लोग बहुत बेताब हो रहे हैं. बिकॉज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग. 15 साल की हो तुम एंड तुमने इस लेवल का परफॉर्मेंस दिया है कि ये कम से कम 15 साल तो याद रहेगा लोगों को. आउटस्टैंडिंग. But I'll say this, मतलब तनुजा जी ऑफ कोर्स इस गाने से जुड़ी हैं, लेकिन आशा जी जिन्होंने गाना गाया है और उनका गाना निभा लेना और इस तरह निभा लेना, इट्स टू गुड, टू गुड. व्हाट जो आपने किया है आज, जेन्युइनली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अदाकारी की परफॉर्मेंसेस जो स्टेज पे दिखी हैं, आउटस्टैंडिंग. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. अनुष्का, आपने मौसम बदल दिया. तनुजा मैम, आपसे बस एक साल छोटी हैं हमारी अनुष्का. कैसा लगा आपको ये परफॉर्मेंस? मुझे ऐसा लगा कि जो भी आशा ताई ने गाया था उस जमाने में मेरे लिए, आई थिंक टुडे अनुष्का ने ये खुद के लिए गाया है. किसी और का गाना नहीं है, ये अनुष्का का गाना है. क्या बात है. सो गॉड ब्लेस. और भैया एक रिक्वेस्ट भी था, मैम अभी स्टेज पे आके मेरे साथ इस गाने में परफॉर्म करे. जाइए मैम को ले आइए, हो जाए मुंह की बात छीन ली. ओह माय गॉड. रात अकेली है, बुझ गए दिए, एक पापा अपनी बेटी के हाथों में और पापाओं की तरह गुड़िया नहीं थमा सके, पर खुद अपनी 20 साल की बेटी को आज भी किसी गुड़िया से कम लाड प्यार से नहीं रखते. वो और पापाओं की तरह अपनी बेटी पर अपना सारा खजाना लुटाने वाले पापा नहीं बन पाए, पर जो वो बने वो बहुत कम पापा बन पाते हैं, बेटी का दोस्त. और तभी जो बेटी अपने पापा के कदमों पर रख देना चाहती है दुनिया का हर जॉय, देवस्मिता रॉय. हाय देवस्मिता. हेलो भैया. देवस्मिता, आप बच्चों की जयाप्रदा लग रही हैं. थैंक यू. वेलकम. और मैंने सुना कि हमारी प्यारी नेहू मैम ने आपको एक बड़ा ही कमाल गिफ्ट दिया है और आज आपके चेहरे पे ग्लो भी एक कमाल सा लग रहा है. वैसे लग रहा है ना. मेरे नखून तो मेरा मम्मी करती हूँ, तो उधर जाने के बाद एक नखून काटने के लिए 2-3 आदमी चलाया. तो वो बहुत अच्छा लगा. जी, बहुत अच्छा. तो थैंक यू नेहा मैम, मैं बहुत खुश हूँ. बहुत बहुत देवो. हाँ. अच्छा गाइए. हाँ. और इतनी सफाई हुई है आपकी, उसी सफाई से एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दे दीजिए देवो स्मिता के लिए. तालियां. ये दिल तुम पे कभी
किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा किसी के दिल पुरानी यादें आ गई बट इट वॉज ब्यूटिफुली डन और मैंने सुना है कि तुमने गाना कहीं सीखा नहीं प्रॉपर गुरुजी नहीं मिला मेरे को ओके बहुत ही अच्छा गाया थैंक यू मैम थैंक यू देवोस्मिता तुम्हारी प्योरिटी तुम्हारी डिविनिटी और तुम्हारी मासूमियत एक ऐसा रिश्ता ऐसा कनेक्ट बांध देती है अपने लिसनर्स के साथ अपने व्यूअर्स के साथ कि आज विश्व भर में तुम्हारे बारे में बहुत चर्चा होती है ये जो गाने हैं वो इतने आइकॉनिक है उसको फिर से तुमने बहुत बहुत ही दिल से गाया और बहुत अच्छी तरह निभाया लता जी के आइकॉनिक गाने को तनुजा जी के गानों को ब्यूटिफुली वेरी नाइस थैंक यू सर थैंक यू दे दीजिए प्लीज Thank you, Devasmita. Beautiful. Maza aa gaya. Thank you. Thank you. Let's have a huge round of applause. Ab wo jinko lagta hai shopping is the ilaaj for sari bimariya, Rupam Bharnariya. रहे
तनुजा जी कैसा लगा मैम? क्या बताऊं? It touched my heart. Oh, thank you so much. Thank you, mom. बहुत अच्छा. Thank you, mom. Thank you. It's okay. Oh, I'm not crying, stupid. जब दिल को बात छूती है ना तो आंसू अपने आप से निकल आते हैं. Wow. Thank you. रूपम. पहली बात तो ये तुम क्या कर रही हो? मतलब लास्ट एपिसोड में भी डू यू रिमेम्बर प्यारे लाल जी भी इमोशनल हो गए थे आपने जो गाया था. आज तनुजा मैम को इमोशनल कर दिया आपने. मतलब आपकी सिंगिंग लोगों के दिल पे घर कर रही है, इससे ज़्यादा खूबसूरत बात क्या हो सकती है यार. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. इंडिया, आपके कीमती वोट्स आ चुके हैं. आज इंडिया के सबसे फेवरेट जजेस कंटेस्टेंट्स को स्कोर देंगे और कल शो खत्म होने से पहले फाइनली हम आपको देंगे टॉप 14. ओह माय गॉड, तनुजा जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए. मैम, इतना मजा आ रहा है आपके साथ. जेन्युइनली वी आर हैविंग सच अ ग्रेट टाइम. मैम, एक छोटा सा गेम हम आपके साथ खेलना चाहते हैं. इजाजत है? कुछ सवाल पूछूंगा, आप जवाब देंगी. पहला सवाल मैम, आपका कोई कोस्टार जिन पर आपको थोड़ा थोड़ा क्रश था? फोटोज प्लीज. सीरियसली? ओहो हो, क्या चॉइसेस हैं. उफ, उफ. देव साहब. पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले. ओहो, देव साहब. क्या वाह, मैं शत्रु जी क्यों बन गया? कौन से कोस्टार थे जिनके साथ आप गप्पे मारती थी, खाना शेयर करती थी? संजीव कुमार. सरकार ने आके
मेरा हाल से पूछा। उनका नाम तो हरी था ना, सो मैं तो उनको पहचानती थी फ्रॉम हिज गिरगाम डेज। वो गिरगाम में रहते थे, थिएटर में काम करते थे सॉर्ट ऑफ, और पहली बार जब फिल्मों में आए तब से मैं उनको जानती थी। सो हमारी जो दोस्ती थी ना वो उस टाइम की थी, सो इसलिए उसके परिवार वाले, सो इट वाज लाइक वो मेरा परिवार था। क्या बात करते थे, उसको खाना बड़ा पसंद था तो खाना खाते थे और पीते थे साथ में। खाते पीते लोग थे हम। थैंक यू सो मच संजना जी, एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।